शांति। आज की तारीख है 2/10/22 और आज हम सुनेंगे प्राण प्यारे अव्यक्त मूर्तधारी अव्यक्त बाप दादा की रिवाइज कोर्स की मुरली। तारीख है 3/10/92 की मुरली और आज की इस अव्यक्त ज्ञान मुरली का शीर्षक है ब्राह्मण अर्थात सदा श्रेष्ठ भाग्य के अधिकारी। ये कौन से ब्राह्मणों की बात हो रही है? जाति के ब्राह्मण नहीं, परंतु जो शिव पिता के प्रजापिता ब्रह्मा बाबा के द्वारा जो ब्राह्मण बच्चे बने हैं उन कर्मधारी ब्राह्मणों की बात हो रही है। तो मीठे मीठे बाप दादा बोले, आज भाग्य विधाता बाप दादा अपने सर्व बच्चों के श्रेष्ठ भाग्य देख हर्षित हो रहे हैं। इतना श्रेष्ठ भाग्य और इतना सहज प्राप्त हो ऐसा भाग्य सारे कल्प में सिवाय आप ब्राह्मण आत्माओं के और किसी का भी नहीं है। सिर्फ आप ब्राह्मण आत्माएं इस भाग्य की अधिकारी हो। ये ब्राह्मण जन्म मिला ही है कल्प पहले के भाग्य अनुसार। जन्म ही श्रेष्ठ भाग्य के आधार पर है, क्योंकि ब्राह्मण जन्म स्वयं भगवान द्वारा होता है। अनादि बाप और आदि ब्रह्मा द्वारा ये अलौकिक जन्म प्राप्त हुआ है। जो जन्म ही भाग्य विधाता के द्वारा हुआ है वो जन्म कितना भाग्यवान हुआ। अपने इस श्रेष्ठ भाग्य को सदा स्मृति में रख हर्षित रहते हो। सदा स्मृति प्रत्यक्ष रूप में हो, सदा मन में इमर्ज करो। सिर्फ दिमाग में समाया हुआ है ऐसा नहीं, लेकिन हर चलन और चेहरे में स्मृति स्वरूप प्रत्यक्ष रूप में स्वयं को अनुभव हो और दूसरों को भी ये दिखाई दे कि इन्हों की चलन में चेहरे में श्रेष्ठ भाग्य की लकीर स्पष्ट दिखाई दे रही है। कितने प्रकार के भाग्य प्राप्त हैं उसकी लिस्ट सदा मस्तक पर स्पष्ट हो। सिर्फ डायरी में लिस्ट नहीं हो, लेकिन मस्तक के बीच भाग्य की लकीर चमकती हुई दिखाई दे। अच्छा, अब याद प्यार देते हुए बाप दादा बोले, चारों ओर के सर्वश्रेष्ठ भाग्यवान आत्माओं को सर्व जन्म से प्राप्त परमात्म जन्म अधिकारी आत्माओं को सर्व बाप द्वारा श्रेष्ठ वर्षा और परमात्म पालना लेने वाले सत शिक्षक द्वारा श्रेष्ठ पढ़ाई का श्रेष्ठ पद और श्रेष्ठ कमाई करने वाले सतगुरु द्वारा महामंत्र और सर्व वरदान प्राप्त करने वाले ऐसे अति श्रेष्ठ पद्मा पदम हर कदम में पदम जमा करने वाली श्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। वरदान सतगुरु का जिम्मेवारी की स्मृति द्वारा
सदा अलर्ट रहने वाले, शुभ भावना शुभ कामना संपन्न भव। बाबा कहते हैं कि आप बच्चे प्रकृति और मनुष्य आत्माओं की वृत्ति को परिवर्तन करने की जिम्मेवार हो, लेकिन ये जिम्मेवारी तब ही निभा सकेंगे जब आपकी वृत्ति शुभ भावना शुभ कामना से संपन्न सतोप्रधान और शक्तिशाली होगी। जिम्मेवारी की स्मृति सदा अलर्ट बना देगी, हर आत्मा को मुक्ति और जीवन मुक्ति दिलाना, वर्षे का अधिकारी बनाना, ये बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। इसलिए कभी अलबेलेपन में न आए, वृत्ति भी साधारण न हो। स्लोगन है, अपने हर कर्म द्वारा सहारे दाता बाप को प्रत्यक्ष करो तो अनेक आत्माओं को किनारा मिल जाएगा। अच्छा, ओम शांति।